हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और यहाँ पर बैक नेक का एक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेन फैब्रिक अभी हम साइड रख देंगे और लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लाइनिंग को मैंने एक फोल्ड में रखा है, चौड़ाई में मैंने इसको एक फोल्ड में रखा है। और ये देखिए, इस तरीके से किनारी वाली साइड दोनों साथ में रखी हैं। इस तरीके से इसको पलट कर रख लेंगे। ओपन साइड देखिए अपनी साइड में रखी है मैंने, और यहीं से हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी 14 इंच की है। 14 इंच में हमने 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर मार्किंग करनी है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा जो मार्जिन होगा, और आधा इंच प्लीट्स में चला जाता है तो वो होता है, और 1.5 इंच हम नीचे से रखेंगे तो 2.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा और ले लिया, मतलब 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये आधा इंच हमने साइड में मार्क कर लेना है, जो हम पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें मार्जिन में चला जाएगा। तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 5.5 इंच का तीरा लेना है, क्योंकि बैक नेक यहाँ पर बड़ा है, 9.5 इंच का बैक नेक है। 5.5 इंच तीरा लिया है और 6 इंच हमने आर्म होल ले लेना है, इस तरीके से। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट है 40 इंचेस, 40 को हमने 4 से डिवाइड करना है तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंचेस पे यहाँ पे मार्क किया। आधा इंच हम जब प्लेट से डालते हैं तो यहाँ पर आधा इंच कम हो जाता है, इसलिए आधा इंच और बढ़ा लेना है। 10.5 हो गया, और 10.5 के बाद हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया तो 12.5 इंच हो गया। नीचे भी हमने 12.5 इंच ले लेना है और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। नीचे हमें कमर की मार्किंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब हम फिटिंग की मार्किंग करते हैं तभी कमर की मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच पर है, तो 0.5 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हम 11 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर अब प्लेट्स की मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पर हम एक प्लेट डालेंगे, और उससे पहले हमने फिर 2 इंच पर मार्क करना है, और उसके बाद हमने 5 इंच पर मार्क करना है। नॉर्मली यही मार्किंग होती है सारे ब्लाउज़ में, आप ये कर सकते हैं। बस थोड़ा हैवी साइज़ होगा तो 4 इंच पर करें, और थोड़ा कम साइज़ होगा तो 3.5 की बजाय 3 इंच पर करें, बस इतना ही फ़र्क होगा। और अब आधा इंच हमने देखिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया है, और इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। अब इस पॉइंट से हमने ऊपर 2 इंच पर मार्क करना है, बिल्कुल सीधा टेप रखना है, 2 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हमने तिरछा इस तरीके से मिला लेना है। तो ये चारों ही प्लेट्स हमारी डल गई हैं। अब हमने आर्म होल की शेप डालनी है, तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर मार्क करना है। 1.25 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से शेप डाल देंगे। तो अभी फ्रंट और बैक की शेप हम सेम ही डालेंगे, जब हम स्टिचिंग करेंगे उसी समय हमने फ्रंट की शेप डालनी है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लीट्स डालते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये छोटा भी हो जाता है ये पार्ट। नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.25 इंच पर मार्क की है, और नेक की लेंथ हमने 6.5 इंच पर मार्क की है, और यहाँ से हमने 2.5 इंच कर लेना है, क्योंकि नीचे से हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। ऊपर से नीचे हमने इस तरीके से मिला लेना है और यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देनी है। तो ये हो गई हमारी नेक की मार्किंग। तो अब हमने बैक पार्ट की कटिंग मार्किंग करनी है। तो इधर ये फ्रंट पार्ट की हो गई है, या तो हम इसी को कट करके दूसरी साइड रख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले तीरा मार्क करना है, 5.5 इंच का हम तीरा मार्क कर लेंगे ऊपर। अब हमने आर्म होल 6 इंच लेना है, और अब चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमने फ्रंट पार्ट में 12.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 12 इंच रखनी है, मतलब बैक पार्ट हम 0.5 इंच कम रखते हैं, क्योंकि वो प्लेट्स वहाँ पर प्लेट डलती है तो 0.5 इंच वो पार्ट कम हो जाता है। अब लेंथ ली है हमने, 14 इंच हमारी रेडी है, तो हमने 15 पे मार्क किया। अब यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेंगे ताकि ये वाली लाइन सीधी डल पाए। इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है, और यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने आर्म होल की शेप डालनी है, तो यहाँ पर भी हमने 1.25 इंच पर मार्क किया है, और इस तरीके से शेप डाल देंगे। और नेक की मार्किंग हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि नेक हमने बुकरम पे कट करना है। यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि बैक वाली प्लेट्स थोड़ी सी लंबी डलती हैं, और 3.5 इंच पर यहाँ पर मार्क किया, और इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी बैक प्लेट की भी मार्किंग हो गई है, और अब इन दोनों पार्ट्स को हमने कट कर लेना है। इस तरीके से पलटेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट नेक हमने अभी नहीं कट करना, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग भी हम सेम तरीके से कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स की देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमने मेन फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर रखकर इसको हमने उसके ऊपर रखना है और कट करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए मार्किंग को, जो हमारी प्लेट्स की मार्किंग है, इसको डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड में पलट कर टैप कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड में दूसरे पीस के ऊपर भी ये मार्किंग उतर आई है और इस तरीके से स्टिचिंग करने में इजी हो जाएगा। अब हमने देखिए मेन फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक को भी हमने इसको एक फोल्ड में रखा है। नीचे वाला एक बॉर्डर हमारे बैक पार्ट में आएगा और ऊपर वाला बॉर्डर हमारी स्लीव्स में आएगा। अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है और साइड से देखिए थोड़ा सा तिरछा है कपड़ा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए फोल्ड साइड की साइड हमने बैक वाला पार्ट रखना है, क्योंकि लाइनिंग वाला पार्ट भी फोल्ड साइड में है और बैक पार्ट भी, मेन फैब्रिक भी फोल्ड साइड में। इसको हमने रख कर देखिए पिनअप कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हमने सेट करना है, तो इस तरीके से किनारे से मिलाकर इसको सेट करके रख लेंगे और यहाँ पर इसको भी पिनअप कर लेंगे। और देखिए इसके बाद हमने देख लेना है कि स्लीव के लिए हमारे पास फैब्रिक है या नहीं। अच्छे से हमने इसको पिनअप कर लिया है और अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा रखते हुए हमने कटिंग कर लेना है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, मेन फैब्रिक कम है, तो बिल्कुल इसी के साथ हमने लाइनिंग के साथ साथ ही कटिंग करनी है और बड़े ध्यान से स्टिचिंग करनी है ताकि अटैच करने में कोई भी पीस बड़ा या छोटा ना हो। अब देखिए दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। इस तरीके से इस पीस को हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लेंथ मार्क करेंगे। तो ये देखिए चौड़ाई में काफ़ी कम है, कम से कम भी हमें 9.5 या 10 इंच चौड़ा ये पीस लेना होता है, क्योंकि 8 इंच की यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग आएगी। क्योंकि चेस्ट का फिफ्थ हम निकालते हैं, उसी के हिसाब से स्लीव को फोल्ड करते हैं। चेस्ट का फिफ्थ हमारे पास 8 इंच आएगा और उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 9.5 इंच हमें यहाँ पर चौड़ाई में चाहिए। ये कम है, हम नीचे से ज्वाइंट ऐड कर लेंगे। अभी 9.5 इंच हमारे स्लीव की लेंथ है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 10.5 इंच मार्क करेंगे। और थोड़ा सा और मैंने अभी एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि स्टिचिंग में अगर थोड़ा छोटा बड़ा होता तो उसको कट कर लेंगे। तो 11 इंच मैंने लेंथ लेकर इसको कट कर लिया है और साइड से भी इसको कट कर लेंगे। ये दो पीसेज हमारे पास स्लीव के निकल आए हैं और साइड साइड में हमने इसके अभी जॉइंट्स ऐड करने हैं। अब हमने लाइनिंग के ऊपर स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इस तरीके से इसको भी फोल्ड करेंगे। ये भी चौड़ाई में कम है, नीचे हम जॉइंट्स ऐड कर लेंगे। अब स्लीव की लेंथ देखिए हमने 11 इंच रखी है, जैसे हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा था। और स्लीव की बॉटम हमारी 5.5 इंच है, उसमें हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 7 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम यहाँ पर पहले नीचे जो जॉइंट सेट करेंगे उसे रख लेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा हमने 1/2 इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। और पीछे से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल की शेप डाल दी है। और बॉटम से हमने 7 इंच पर मार्क किया है और शेप डाल दी है और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट्स हमने ऐड कर लेने हैं, लाइनिंग वाली स्लीव्स के। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इसको अटैच करना है। तो अब देखिए बैक वाला पार्ट मैंने ले लिया है और इसकी सीधी साइड में हमने लाइनिंग रखनी है। देखिए ये सीधी साइड है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग वाला पार्ट रखना है। अच्छे से इसको सेट कर लेना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो पार्ट नीचे हमें मेन फैब्रिक में ब्लू दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन, उतना ही पार्ट हमने मार्जिन में लेना है और इसको स्टिच कर लेना है। अब हमने देखिए लाइनिंग को इस तरीके से नाखून से सेट करना है। मार्जिन को हमने देखिए लाइनिंग वाली साइड में रखा है और इस तरीके से पलट कर हमने यहाँ पर प्रेस कर लेनी है अच्छे से और एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अच्छे से सारी साइड से इसको लाइनिंग को हमने सेट करना है, पिनअप कर लेना है और फिर हमने देखिए यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। तो एक साइड से सिलाई लगाते हुए हमने चारों साइड में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कच्ची सिलाई लग गई है पूरे ही पार्ट में। और सीधी साइड से हमने इसको अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं पर झोल या सलवटें वगैरह ना आए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है।
तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब इसको हमने अच्छे से फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। तो ऊपर हमने सेंटर का कट मार्क कर लिया है और नीचे भी हमने जहाँ तक हमारा गला आएगा वहाँ तक हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी है। अब मैंने देखिए एक पेपर पेस्टिंग ले ली है और इसको फोल्ड में रखा है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है फोल्ड में, और लेंथ इसमें 11 इंच रखी है क्योंकि 9.5 इंच हमारी रेडी है नेक की लेंथ। ऊपर से आधे इंच मार्जिन का रख दिया और बीच में 9.5 इंच पर मार्क किया, और चौड़ाई हमने देखिए 2.5 इंच पर मार्क की है ऊपर से, और नीचे से हमने 3 इंच पर मार्क करनी है क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से तिरछा मिला लेना है, और यहाँ पर कोई भी आपने अपने हिसाब से अपनी पसंद की शेप डाल लेनी है। तो इस तरीके से मैं एक शेप डाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके की मैंने शेप डाल ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन भी बाहर की साइड को मार्क कर लिया है, और यहाँ पर अब हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने से पहले हमने पिनअप ज़रूर कर लेना है देखिए यहाँ पर, ताकि दोनों ही पार्ट इक्वल कटें, कोई भी छोटा बड़ा ना हो। और देखिए यहाँ पर नेक की कटिंग हो गई है और इस तरीके से हमारे नेक की शेप आएगी। और इसको कपड़े के ऊपर मैंने देखिए पेस्ट कर लिया है। चौड़ाई ऊपर से चेक कर लेंगे, 5 इंच हमने चौड़ाई रखनी है क्योंकि फोल्ड में 2.5 इंच थी। इस तरीके से साइड्स में हमने कट्स डाल लेने हैं ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। और अब हम इसको फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ पर भी गोलाई है वहीं पर हमने कट्स डालने हैं ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो सके अंदर की साइड में। और अब हमने इस पार्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है। यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेंगे नीचे की साइड, और ऊपर की साइड हमने कट डाल लेना है। तो नीचे और ऊपर हमने मार्क कर लिया। अब हमने ब्लाउज़ का पीस ले लिया है और ब्लाउज़ की सीधी साइड सामने रखी है, और ये वाले पीस का हमने कट से कट मिला लेना है और नीचे मार्किंग से मार्किंग मिला लेनी है और अच्छे से पिनअप कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने बिल्कुल जो पेस्टिंग पेपर है उसके साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी, उसके साथ साथ में सिलाई लगाते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। और बैक साइड से चेक कर लेना है कि शेप अच्छे से आई है या नहीं हमारी सिलाई की। और अब हमने अंदर से 1/4 इंच का मार्जिन रखकर बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से। और छोटे छोटे हमने कट्स डाल लेने हैं पूरे ही नेक में, क्योंकि यहाँ पर राउंड शेप है, कर्व है, तो यहाँ पर कट्स डाल लेंगे ताकि अंदर की साइड को ये अच्छे से फोल्ड हो सके। तो इस तरीके से हम इसको अंदर की साइड को पलट लेंगे और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो सिलाई हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने लेस अटैच करनी है, तो तब भी सिलाई लगेगी। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसको प्रेस कर लिया है और अच्छे से ये नेक हमारा अंदर की साइड को फोल्ड हो गया है। अब देखिए मैंने एक लेस ली है, ये हमारी साड़ी के कलर की लेस है, ऐसे मर्जेंटा कलर की साड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लेस ली है और बिल्कुल किनारे किनारे पर इसको रखते हुए हमने इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल नेक के किनारे पर हमने सिलाई लगानी है, उसी के साथ हमारी ये लेस भी अटैच हो जाएगी। और लेस लगाते हुए हमने इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको स्टिच करना है। अगर खींचेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसको आराम आराम से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए एक राउंड हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अभी डबल लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगाना है। तो मार्किंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है कि आपको गैपिंग कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच का गैप रखूँगी और पूरे में मार्क कर लूँगी। तो 1-1 इंच का गैप रख कर मैंने मार्क कर लिया। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमने अब ये लेस रखनी है इस तरीके से, और इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर लेस लगाने से पहले हमने नेक पर कच्चा कर लेना है क्योंकि अंदर की साइड हमने पेस्टिंग पेपर को फोल्ड किया है। नेक में हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर लेस लगानी है।
तो मार्किंग आपने ज़रूर कर लेनी है, तभी इसमें इक्वल डिस्टेंस बन पाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है बहुत ही आसानी से। और सेम तरीके का हमने स्लीव्स में भी रेडी कर लेना है। अब हमने देखिए यहाँ पर प्लीट्स डालनी है, तो प्लीट्स हमने थोड़ी सी दूरी पर डाल लेनी है बजाय मार्किंग के। अब हमने स्लीव्स ले ली है, स्लीव्स में हमने जॉइंट्स ऐड कर लेने हैं। तो ये देखिए जॉइंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं, मेन फैब्रिक के साथ भी हमने जॉइंट्स ऐड कर लेने हैं। तो ये देखिए इसके भी साइड्स में मैंने जॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। अब हमने लाइनिंग का पीसेस के साथ रखा है और किनारे की सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक की सीधी साइड रखी है और इसके ऊपर लाइनिंग का पीस रखा है। सिलाई लगाकर हमने इसको बैक साइड में पलट लिया है और यहाँ पर देखिए दोनों ही पीसेस में हमने प्रेस कर ली है, दोनों ही स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई। इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेना है और सेम तरीके से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब देखिए हमने दोनों ही पीसेस की सीधी साइड अंदर की साइड रखी है और इस तरीके से शेप डालेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डाल ली है। अब हमने बॉटम देखिए 5.5 इंच रेडी रखनी है, तो 6.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि यहीं तक हम लेस ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो आगे की साइड से हमने इसको लेस को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने लगानी है। लेस को भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है और यहाँ पर आकर हमने लेस को कट कर लेना है और थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और एक और लेयर हमने यहाँ पर लगानी है, तो थोड़ी सी दूरी पर 1 इंच की दूरी पर ही हमने यहाँ पर देखिए लेस को रखा है और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक का डिज़ाइन और स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। और बाकी पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग हम सेम तरीके से कर लेंगे जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग सेम तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है।